अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं नोमान टेक्निकल। आज मैं आपको बहुत ही कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। आप जो पिक के बैकग्राउंड पे ब्लर लगाते हैं, तो वो आप कौन से ऐप से लगा सकते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमने सबसे पहले अपने मोबाइल गैलरी ऑन की। यहाँ से मैं एक अपनी जो एडिट करनी है पिक, वो मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ से शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद मैं अपना एयरब्रश के अंदर जाता हूँ। तो गाइस, ये हमारा एयरब्रश ऐप ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर जाने के बाद आपने बॉकी में जाना है। एंड बॉकी में जाने के बाद यहाँ से ये आपका जो है फ्री ट्रायल मेरे पास नहीं है, तो ये जो है अपना कार्ड मांगेगा। तो आप इसका एक इजी तरीका है, आप यहाँ से इसको ब्लर लगाकर, पीछे डबल शेड ब्लर आएगा, ये आप ब्लर लगाकर ये आप यहाँ से सेव करेंगे तो ये आपका यहाँ से कार्ड मांगेगा। तो इसका आसान तरीका ये, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके इसका स्क्रीन शूट कर सकते हैं एंड बाद में आप उसको क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस, एक आपके पास ये तरीका है। एंड सेकंड जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपका जो है बिना इंटरनेट बिल्कुल जो है फ्री सेव हो जाएगा। एंड यहाँ से हम ब्लर के अंदर आएंगे, यहाँ से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैं साइज़ इतना रख लेता हूँ एंड ब्लर पे आते हैं, तो मैं इसको यहाँ से ब्लर दे देता हूँ। तो गाइस, आपको इस तरीके से फिंगर से करना है। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो गाइस, हम पूरी पिक पे इसी तरीके से ये ब्लर करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लर लग चुका है पीछे। एंड आपने अब जो जाना है टूल्स के अंदर से, हमें जाना है इंसेंस के अंदर। इंसेंस के अंदर आप जाके यहाँ पे इसका कंट्रास्ट वगैरह जो है वो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से इसको हाईलाइट दे रहा हूँ। एंड ये हमने यहाँ से पिक सेव कर लेनी है। एंड यहाँ से आने के बाद इसको इस तरीके से ब्लैक शेडो दे देता हूँ साइड का। बहुत ही क्लासिकल ऐप है। एंड एक्नी के लिए मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी, आप वो एक्नी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ब्लर के लिए बनाई है। एंड इसी तरीके से मैं आगे और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो जिससे आप कम्प्लीट एयरब्रश यूज़ करना सीख जाएंगे। तो एंड आपने आना है यहाँ से स्मूथ के अंदर। स्मूथ के अंदर आने के बाद यहाँ से आपने साइज़ ले लेना है। साइज देने के बाद आपने जूम करके इसे यहाँ से स्मूथ कर लेना। तो गाइस, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मूथ हो रहा है। ये जो है काफ़ी अच्छे अच्छे एडिटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ऐप, तो आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये हमारा स्मूथ हो गया। एंड यहाँ से आके हमने थोड़ा शार्पन कर देना है। तो ये गाइस, हमारी पिक जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंड जो है इसके अंदर रिटच है, टूल्स है, फिल्टर है, मेकअप है, तो ये जो है हमारे काम का नहीं है। हमारे जो काम का था जस्ट, मैंने वो आपको बताया। तो गाइस, एंड हमने इसको सेव जो करना है, ये आपको सेव का आइकन ऊपर दिख रहा होगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका जैसा ही हम सेव मांगेगा,
तो आपने ये सही है एम पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको मे बी लेटर कर देना है। ये आपकी जो है पिक्चर बिल्कुल ईजीली सेव हो चुकी है गैलरी के अंदर। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ पिक की क्या कंडीशन थी। तो भाई ये जो है ये पिक थी, अब आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड एंड हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना क्लासिकल जो है ब्लर लग चुका है इसको एंड आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।